नमाज पढ़ते हुए अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम तीसरी या चौथी रकात में ये भूल जाते हैं कि हम तीसरी रकात में है या चौथी रकात में। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज पर शक हो जाए और उसे मालूम ना हो कि उसने कितनी रकात नमाज पढ़ी है, तीन या चार, तो वो शक को छोड़ दे और जितनी रकातों पर उसे यकीन हो उन पर ही बुनियाद रखे। अगर तीन यकीनी हैं तो उसे चौथी पढ़नी चाहिए, फिर सलाम से पहले दो सजदे करें। अगर उसने पांच रकातें पढ़ ली है तो ये सजदे उसकी नमाज को जुफ्त यानी छह रकात कर देंगे, और अगर उसने चार पूरे कर लिए तो ये सजदे शैतान की जिल्लत और रुसवाई का बास बनेंगे। इस तरीके से वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। देखा, इसका हल मिल गया। अब आप दूसरों को बताइए, अगर वो भी दूसरी या तीसरी रकात में भूल जाते हैं कि कौन सी रकात में है, तो फिर वो ऐसे करें।